इंटरेस्टिंग बात यह कि लोकसभा में ऑपोजिशन अलायंस मोदी सरकार को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। कमलनाथ हिंदू राष्ट्र का नारा लगाने वाले बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवा रहे हैं। ये बात अब विरोधी दलों को खटकने लगी है। कांग्रेस के कुछ नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि वो बजरंग बली के पुराने भक्त हैं, उनकी भक्ति से किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। असल में हुआ ये कि आज आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं ने छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सवाल उठाए। शिवानंद तिवारी ने कहा कि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति की आरती उतार रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र का प्रबल समर्थक है। कांग्रेस को कमलनाथ को समझाना चाहिए, उनसे सफाई मांगनी चाहिए, क्योंकि विरोधी दलों के अलायंस में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। धीरेन्द्र शास्त्री घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र के प्रबल समर्थक हैं। वो पटना भी आए थे और पटना में भी उन्होंने कहा था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहां तक कि कल यज्ञ के पहले एक दिन पहले तक उनका बयान है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वहां कमलनाथ जी गए, कमलनाथ जी ने उनकी आरती उतारी और उसके बाद जो है मैंने जब कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ तब उन्होंने कहना शुरू किया कि पता नहीं क्यों लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से अनुरोध करेंगे, भाई महागठबंधन बना हुआ है, मैंने नेताओं को महागठबंधन के नेताओं को ये नागवार गुजर रहा है कि इस तरह का हम करें, मैंने एक हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, उसका स्वागत करें, उसको महिमा मंडित करें और उसके बाद हम ये बात करें कि देश जो है संविधान से चलेगा। यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के आलाकमान से अनुरोध है कि इस मामले में वो सफाई दें, कमलनाथ जी से भी कैफियत तलब करें। ऐसा कहने वाले शिवानंद तिवारी अकेले नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश विपक्ष के नेता गोविंद सिंह राजपूत भी धीरेन्द्र शास्त्री के कथा को सही नहीं मानते। गोविंद राजपूत ने भी बिना नाम लिए कमलनाथ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल ठीक नहीं है, भक्ति व्यक्तिगत आस्था का मामला है, इसलिए उसे घर तक सीमित रहना चाहिए। मेरी तो मान्यता व्यक्तिगत है कि राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को अपने अपने धर्म का निष्ठा के अनुसार पूजा पाठ करें, कथा कराए, लेकिन राजनीति में धर्म का उपयोग करना मैं उचित नहीं मानता हूं। जो करते हैं वो मैं उसकी इस मत से सहमत नहीं हूं। राजनीति में उपयोग तो करिए, आप पूजा पाठ कर रहे घर में ले जाके घर में ले जाए, अगर वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे धर्म के नाम पर वोट दो भाजपा मांग। कांग्रेस के एक और लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कमलनाथ के हिंदुत्व पर सवाल उठाए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो हिंदुत्व नफरत फैलाने वाला है कांग्रेस उस रास्ते पर नहीं चलेगी, सत्ता हासिल करने के लिए उसूलों को ताक पर नहीं रखा जा सकता। सिद्धांतों को ताक पर रख करके हमें सत्ता नहीं चाहिए। जो महात्मा गांधी का हिंदुत्व है कांग्रेस उस रास्ते पर चलेगी। जो किसी को भी दिल किसी के दिल को दुखाने की अनुमति नहीं देता हमें वो हिंदुत्व चाहिए। जो देश को मजबूती देता हमें वो हिंदुत्व चाहिए। जो आपस में प्यार सद्भावना का वातावरण पैदा करता हमें वो हिंदुत्व चाहिए। विश्व बंधुत्व का उद्घोष जो करता हमें वो हिंदुत्व चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र जो दुनिया को जिसने दिया हमें वो हिंदुत्व चाहिए। हमें बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी जो ये हिंदुत्व की नकली परिभाषा गढ़ते हैं हमें ये हिंदुत्व नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कमलनाथ को इस तरह के विरोध की जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जिसको जो कहना है कहता रहे, उन्हें जो सही लगा वही करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहना कौन सी गलत बात है, जिस देश में 80% हिंदू रहते हो वो तो वैसे हिंदू राष्ट्र है। जहां तक राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का सवाल है
तो उनकी भक्ति नई नहीं है। उन्होंने 15 साल पहले बजरंग बली की सबसे बड़ी मूर्ति की स्थापना की थी। अब लोगों की डिमांड पर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवा दी तो कौन सा पाप कर दिया? तो वो क्या दूध पैदा कर दिया? देश में, जिस देश में इतनी बड़ी सिटी हो, वहां कोई गैस की बात है? ये तो है कि 80% अगर हमें हिंदू कहें तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है। कहने की क्या बात है? ये तो आंकड़े बताते हैं। मैंने तो 15 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया था, लेकिन आज बनाया है तो ये तो कोई चुनाव के लिए बनाया है। मैंने तो इसकी पब्लिसिटी भी नहीं करी थी, पर जो है सामने लोगों को दिख रहा है कि सबसे बड़ा हनुमान मंदिर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले बना था। तो ये अब इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं से बनाया। कमलनाथ ने सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया, लेकिन अब चुनाव का मौका है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी को मौका मिला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है और कमलनाथ को समझ नहीं आ रहा कि वो इधर जाएं या उधर जाएं। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वह कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। कोई कुछ भी कहता रहे, कमलनाथ क्लियर हैं, उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वो इस बार चुनाव जीतने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं। इस वक्त धीरेन्द्र शास्त्री बहुत लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें चमत्कारी मानते हैं, उनकी कथा सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। वो खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन धर्म के प्रबल समर्थक हैं, और कमलनाथ उनकी इसी लोकप्रियता और उनके इसी प्रभाव का फायदा उठाना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।